देखो विचार के साथ जी, साख दई आत्म महामत, सो आत्म साख सबों की देयसी, पहुँचया इलम हमारा जीत, पहुँचया इलम हमारा जीत। ढिक ढिक पड़ो मेरी बुध को, प्रणाम सुंदर साक्षी। धाम धनी अक्षरा तीत हम सभी की आत्म जागृति के लिए तारतम वाणी कही है। किरंदन की चौपाई है जिसमें इंद्रावती जी कहती हैं, साख दई आत्म महामत, सो आत्म साख सबों की देयसी, पहुंचा इलम हमारा जित। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी आत्मा तो अब गवाही देती है। गवाही किस चीज की? जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, दो छोटे छोटे उदाहरण हैं, उनसे यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण तो मैंने किसी मनीषी की किताब में पढ़ा है और दूसरा उदाहरण जुगलदास जी महाराज दिया करते थे। पहला उदाहरण क्या है कि एक जगह रामायण की लीला चल रही थी, रंगमंच लगा था, जैसे दीपावली से पहले रामायण दिखाई जाती है। कोई राम बना है, कोई रावण बना है, कोई सीता बनी है। एक व्यक्ति है जिसको हनुमान का किरदार निभाना है। अब कौन सा प्रसंग चल रहा है जब लक्ष्मण को धनुष से तीर लगता है और वो घायल हो जाते हैं। वैद्य जी को बुलाया जाता है, वो कहते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले यदि कोई संजीवनी बूटी ला करके इनको दे देगा तो इनके प्राण बच जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये सेवा किसको सौंपते हैं? हनुमान को। अब जो व्यक्ति हनुमान का किरदार निभा रहा है, वो हनुमान का अभिनय कर रहा है। अब वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, एक ऊपर रस्सी बांधी है जिसके ऊपर हनुमान लटक करके आते हैं और वो नीचे उनको आना है, और कोई भूल चूक होती है, जो रस्सी है वो टूट जाती है। अब जैसे ही वो रस्सी टूटी तो जो हनुमान का किरदार निभा रहा था वो एकदम से धमाके से कहां गिरे? जमीन पर गिरे। लेकिन श्रोताओं को पता नहीं लगता कि ये वाकई में नीचे उतर कर आए या रस्सी टूटने की वजह से नीचे गिर गए। सबको लगा ये सामान्य रूप से हनुमान जी नीचे उतर करके आ गए, लेकिन जो व्यक्ति हनुमान का किरदार निभा रहा है उसको बहुत जोर से चोट लगी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरा है। अब सबके चेहरे पर मुस्कान है कि हनुमान जी आ गए, अब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिल गई। लेकिन उसके चेहरे के आगे तो माइक लगा है, उसने जोर से गुर्राते हुए कहा, गाली देते हुए, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको व्यवस्था करनी भी नहीं आई और ये रस्सी टूट गई। एक ये उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण है जो जुगलदास जी महाराज दिया करते थे। मैंने पहले भी दो या तीन बार वो उदाहरण दिया है। वो उदाहरण भगवान कृष्ण के समय का है, जब रास की लीला को संसार में दिखाया जा रहा है। दो 18-18 साल के लड़के हैं, एक को कृष्ण बनाया है और दूसरे को क्या बनाया है? राधिका बनाया है। अब आपको पता है कि रास के समय में क्या होती है? वियोग की लीला होती है, जिसमें जो कृष्ण है वो रास की लीला से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब रास की लीला में दोनों अभिनय कर रहे हैं, दोनों पुरुष हैं। एक अपने आप को क्या मान रहा है? कृष्ण मान रहा है, और एक अपने आप को क्या मान रहा है? राधिका मान रहा है। दोनों
लीला के अंदर इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि जो कृष्ण अपने आप को मान रहा है वो क्या मानने लगता है कि मैं तो कृष्ण ही हूं, और जो अपने आप को राधिका मान रहा है वो अपने राधिका के भाव में इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं तो राधिका ही हूं। ये सच्ची घटना है जुगलदास जी महाराज की प्रेम पाती में लिखी है। अब जब अंतर ध्यान की लीला होती है, अंतर ध्यान की लीला में पर्दा को आगे कर कृष्ण को वहां से हटा दिया जाता है। अब उस समय जो व्यक्ति राधिका का किरदार निभा रहा है उसे क्या लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है। अब वो राधिका के किरदार में इतना ज्यादा भाव विभोर हो चुका है, इतना ज्यादा डूब चुका है कि क्षण भर का वियोग भी कृष्ण का उसको अब सहन नहीं होता, और वो 18 साल का बालक वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। एक छोटे से समय के लिए वियोग हुआ, और वो वियोग की तीव्रता इतनी थी, वो वियोग का प्रगाढ़ इतना था कि उसका हृदय उसको सहन नहीं कर पाया और उसका जीव उसके शरीर से निकल गया। अब ये दो उदाहरण है, पहला जो हनुमान का किरदार निभा रहा है और दूसरा जो राधिका का किरदार निभा रहा है। आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया? पहले वाला व्यक्ति भी अपने आप को क्या मानता है कि मैं हनुमान हूं, वो क्या मान रहा है, हनुमान मान रहा है, हनुमान की बोली बोल रहा है, हनुमान की वेशभूषा उसने धारण की है, हनुमान की तरह अपना चेहरा सजाया है। लेकिन थोड़ी सी बाधा आई, एक रस्सी टूटी, एक छोटी सी चोट लगी, उसका असली चेहरा सामने आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी हृदय ने अभी यह स्वीकार नहीं किया कि वो हनुमान है और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी एक 18 साल का व्यक्ति, छोटा सा बालक, वो राधिका का रूप लेकर के खड़ा है, वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष है। उसने राधिका की तरह श्रृंगार किया है, राधिका की तरह बोल रहा है और राधिका की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा ने चाहे क्षण भर के लिए ही सही ये स्वीकार कर लिया है कि मैं राधिका हूं, समझे। और जब वो स्थिति आती है, जब वो अवस्था आती है, तो चाहे क्षण भर के लिए ही सही उसको वियोग देखना पड़ा, उसकी आत्मा उसको स्वीकार नहीं करती और उसका जीव उसके शरीर को छोड़ देता है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी आत्मा तो साथ दे रही है, क्या आपकी आत्मा भी साथ देती है? कहीं हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, हमने अपना नाम ब्रह्म सृष्टि रखा, हमने ब्रह्म सृष्टि की तरह सादा लिबास भी ओढ़ लिया और हम ब्रह्म सृष्टि की तरह मीठे मीठे वचन भी बोल लेते हैं, लेकिन क्या हम इस संसार के अंदर उस हनुमान की तरह तो ब्रह्म सृष्टि का किताब लेकर नहीं घूम रहे कि थोड़ी सी विपदा आई, थोड़ा सा संकट आया और हमारा वास्तविक जो हृदय है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो सबके सामने प्रकट हो जाता है। आज देखिए, सुबह थोड़ी सी बारिश थी और कितनी संख्या कम हो गई। तात्व माणी की एक चौपाई है कि वाको आग वाग नाग खाग न डरावे, गुण अंग इंद्री से होए रहे। राजी कहते हैं कि मेरी जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसको आग बाग खाग नाग यानी प्रकृति की कोई भी बाधा होगी, प्रकृति का बड़े से बड़ा संकट भी होगा, जहां कहीं भी ये संकट आएंगे, जो मेरी ब्रह्म सृष्टि होगी वो इन संकटों को पार करके बाहर निकलेगी। और ये तो शारीरिक समस्याएं हैं, ये तो शरीर की विपदाएं हैं, शरीर से बड़ी रोग क्या है, मन का रोग है। राज जी ने कहा कि गुण अंग इंद्री से हो रहित, उसके तो मन को भी अगर कोई संसार में खींचेगा वो गुण अंग और इंद्रियों को भी पार करके मेरी तरफ दौड़ कर आएगी। जीवन में जब कोई विपदा आती है तो हम सबका ईमान साफ दिखाई देता है। कुरान का एक प्रकरण है, आप सभी को पता है कि इबलीस एक फरिश्ता था जिसको आदम को जब बनाया गया
तो खुदा ने कहा इसको सजदा करो। इबलीस ने उसको सजदा नहीं किया, उसको जन्नत से बाहर निकाला। और जब इबलीस बाहर निकलता है तो उसने एक बहुत बात कही कि पूरी दुनिया के अंदर एक जर्रे बराबर भी जमीन नहीं थी जहां पर मैंने तेरे सजदे नहीं बजाए, और जिस आदम के लिए तुमने मुझे जन्नत से बाहर निकाला, अब इस आदम की नस्ल को मैं तेरी तरफ नहीं आने दूंगा। इबलीस ने कहा कि चार तरह से मैं उनको इस संसार में रोकूंगा। वाणी में भी आया है कयामतनामा के अंदर कि जिसको माया कहा गौतम बुद्ध ने उसे मारा कहा, कुरान पक्ष के अंदर उसको इबलीस कहकर के या शैतान कहकर के लिखा है, बात एक ही है। चार तरह से संसार में खींचने का मतलब क्या है? एक है पीछे से खींचना, एक है आगे से खींचना, एक है दाईं तरफ से खींचना और एक है बाईं तरफ से खींचना। पीछे से खींचने का मतलब क्या है? आज इस संसार के अंदर 7 अरब की आबादी है। आप सोचिए, अभी आप प्रकरण चौपाइयां गा रहे थे कि जीवन के अंदर चार चीजें ऐसी हैं जो बहुत दुर्लभ रूप से किसी को प्राप्त होती हैं। वो चार चीजें क्या हैं? मनुष्य जीवन, भारत का ये खंड, कलयुग का ये समय और प्राणनाथ जी के चरण कमल। ये चार चीजें हैं जो बहुत ही कठिनता से मिलती है। आज हमें ये चारों चीजें मिली हैं, हम इसकी कीमत को भले ना समझें, लेकिन हमारे हादी ने डंकी की चोट पर कहा है कि यदि ये चार चीजें आपको मिली हैं तो आप समझना आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो। अब 9,09,000 की संख्या में कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि परमात्मा कौन है और कहां रहता है। अगर हम प्रणामी समाज की बात करते हैं तो प्रणामी समाज के अंदर भी कितने लोग हैं? 30,00,000 की हमारी संख्या गिनी जाती है। लेकिन 30,00,000 की संख्या के अंदर भी आप देखिए कि 95% तो यही होंगे जो आज भी मूर्ति पूजा के अंदर लगे हैं, जो आज भी राधा और कृष्ण की फोटो बना करके उनकी आरती उतार रहे हैं, या जिन्होंने आज भी अपने आप को ब्रज और रास की लीला तक ही सीमित रखा। अक्षर से परे जो अक्षरातीत है वहां का ज्ञान कितने लोगों को है? अगर मैं 1,00,000 की भी संख्या मानूं, शायद वो भी बहुत ज्यादा होगी। अब उस 1,00,000 की संख्या में जिन लोगों को ये ज्ञान पता लग गया, उन लोगों में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके घर में तारतम वाणी होगी? सोचिए, आपके घर में तारतम वाणी भी है। 1,00,000 में से मान लीजिए 50,000 सुंदर साथ घर में तारतम वाणी को रखता है। अगर 50,000 के घर में तारतम वाणी है तो इन 50,000 में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन तारतम वाणी को कुलजम स्वरूप को पढ़ते हैं? शायद इसका 1%, 500 या 1,000 सुंदर साथ। हजरत अली एक बात कहा करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तो कुरान के संदर्भ में कही थी, हम उसको वाणी पर घटा सकते हैं, क्योंकि मैं एक सुंदर साहब के घर गया था, वहां पर चर्चा थी, तो चर्चा के लिए स्वरूप साहब को रखा गया था और रुमाल के नीचे स्वरूप साहब के ऊपर एक जो कपड़ा लपेटा जाता है, जब उसको उतार रहे थे तो उसमें से धूल निकल रही थी। धूल निकलने का मतलब क्या है कि कई वर्षों से इसको किसी ने खोला ही नहीं। तो हजरत अली इस संदर्भ में, कुरान के संदर्भ में कहा करते थे कि कुरान की किताब पर जितनी धूल तुम्हारे घरों में जमती है, वो धूल कुरान पर नहीं जमी, वो धूल तुम्हारे हृदय पर जम चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे घर में यदि तारतम वाणी भी है तो हम में से कितने सुंदर साथ ऐसे हैं
जो रोज उसको पढ़ते हैं। रामधनी ने तो हमें कहा है कि तुम रोज इस इल्म के अंदर, इस इल्म के सागर में स्नान करो। दही मैं तुमको कुलजम और किया सब, पढ़ो मेरे कलाम को जिनसे भागे सबे सुबह शक। उन्होंने आज्ञा दी कि दही मैं तुमको कुलजम, कि मैं तुमको क्या देकर के जा रहा हूं, कुलजम स्वरूप देकर के जा रहा हूं। आज दिन तक कोई भी संसार के अंदर महान पुरुष या कोई अवतारी जाता है, उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता होती है। वो उत्तराधिकारी देकर के जाता है कि मेरे बाद मेरा राज्य ये संभालेगा। अध्यात्म में भी यही होता है कि मेरे बाद मेरा राज्य इनका होगा, अध्यात्म की डोर इनके हाथ में है। सोचिए एक पद्मावती पुरी के अंदर ऐसा हुआ कि जब श्री जी इस संसार से पर्दा ले रहे हैं, गहन चितवनी की अवस्था में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि दई मैं तुमको कुलजुम, कि मैं तुमको क्या देकर के जा रहा हूं, कुलजुम देकर के जा रहा हूं, कि भले ही मैं तुम्हारे सामने रहूं ना रहूं, भले ही प्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा, लेकिन इसके जो शब्द हैं, जो इसके अंदर बातें लिखी हैं, जो इसकी चौपाइयां हैं, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल ऐसी होंगी जैसे मैं प्रत्यक्ष तुमसे बात कर रहा हूं। और पढ़ो मेरे कलाम को, उन्होंने आज्ञा दी कि मैं दे करके जा रहा हूं। ऐसा नहीं कहा कि पूजो मेरे कलाम को, क्या कहा, पढ़ो मेरे कलाम को। हम अगर एक वाणी और एक बीतक को अपना आदर्श बनाएंगे तो हम कहीं भी नहीं भटक सकते। वाणी की पूजा करना हमें किसने सिखाया, भावुकता वर्ष सुंदर साथ ने सिखाया, लेकिन कुछ लोग इसमें इतना डूब तो चले गए कि उन्होंने इसके पढ़ने को, चिंतन मनन को भी पीछे छोड़ दिया। श्री जी ने आज्ञा क्या दी, पढ़ो मेरे कलाम को। मैं ये कह रहा था कि जितने सुंदर साथ हमारे घरों में तारतम वाणी है, उसमें से कितने सुंदर साथ ऐसे हैं जो उस वाणी को पढ़ते हैं प्रतिदिन। शायद उस 5-10 हजार का भी 1% या 2%। अब सरकार श्री कई बार मजाक बनाया करते थे कि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठा, वाणी को खोला, ये हुक्म की चौपाई है, एक चौपाई पढ़ करके वाणी को बंद कर देते हैं। सरकार श्री कहा करते थे कि ऐसी आशिकी पर हजारों कुर्बान, कि वह तुम्हारी आशिकी, कि एक चौपाई पढ़ करके तुम अपने आप को परम धाम की भ्रम सृष्टि सिद्ध करते हो। पढ़ो मेरे कलाम को। कुमारिल भट्ट का उदाहरण दिया जाता है संसार के अंदर। कुमारिल भट्ट पर आक्षेप लगाया था कि वेद तो परमात्मा को, वेद में परमात्मा का ज्ञान नहीं। कुमारिल भट्ट ने वेद की किताब उसके उनके हाथ में थी। कुमारिल भट्ट एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके उन्होंने कहा था कि यदि मेरा वेद सच्चा है तो मैं इस पहाड़ से छलांग भी लगाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ऊंची पहाड़ी से उस वेद की किताब को पकड़ करके छलांग लगाई थी और वो बिल्कुल बच गए। एक उनकी आंख फूट गई, लोग उन पर हंसने लगे कि क्या यही तेरा वेद का परमात्मा था जो तेरी आंख ना बचा सका। उसने कहा कि मेरे वेद के परमात्मा ने तो मेरे पूरे शरीर को बचाया, लेकिन मुझसे एक गुनाह हुआ, मैंने उस परमात्मा के साथ एक शर्त लगा ली कि यदि मेरे वेद का परमात्मा सच्चा है, यदि मैं ये ना कहता तो मेरी आंख भी बच जाती। सोचिए उनको अपनी किताबों पर इतना ईमान है कि वो उसको अपने हृदय से लगाए फिरते हैं। पन्ना जी के बारे में भी कहा जाता है कि एक सुंदर सात महिला थी जो 24 घंटे वाणी को अपने हृदय से लगाए फिरती थी। एक दिन उनके हृदय से, उनके हाथों से वाणी छीन ली गई और उस महिला ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे घरों में यदि तारतम वाणी है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सुबह उठ करके उसको पढ़ते हैं। केवल मुंह से कहने से कोई भ्रम सृष्टि नहीं बन जाता। ब्रह्म सृष्टि कौन है, जो अपने हादी की बातों पर चलता है, जो हादी के कदमों पर कदम धरता है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे हादी ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ो मेरे कलाम को, तो इसके साथ हमें कोई दूसरी बात गवारा नहीं।
हमें प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर हम में से जितने लोग पढ़ते हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो उन पढ़ी हुई बातों को अपने हृदय में उतारते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। ये सबसे कठिन कार्य है। कठोपनिषद के अंदर नचिकेता को यमाचार्य ने कहा था कि नचिकेता पहले तो इस संसार के अंदर कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला नहीं मिलता। उस समय तो ब्रह्म ज्ञान इस संसार में था नहीं। उन्होंने कहा कि पहले तो इस संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला नहीं मिलता, यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते, और यदि सुनने वाला भी हो और सुनाने वाला भी हो तो लाखों की संख्या में कोई दसों या बीसों लोग ऐसे होते हैं जो उस ज्ञान को सुनते हैं और अपने हृदय में आत्मसात करते हैं, और उसमें से भी कोई कोई एक बिरला होता है जो इस मंजिल पर चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो सोचिए 9 अरब की इस जनसंख्या के अंदर कितने गिनती के कुछ लोग होंगे, 1000-2000, जो वाकई में इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसको अपना लक्ष्य बनाकर इस पर चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? ये है इबलीस का पीछे से वार। वो आपको इस रास्ते पर जाने ही नहीं देना चाहता। समझे कि नहीं समझे? उसने कहा ना कि 4 तरफ से खींचूंगा, तो पहली तरफ से वो खींच रहा है, पीछे से खींच रहा है। ये उसका पीछे से वार है। पीछे से वार का मतलब क्या है कि सत्य क्या है वहां तक आपको जाने ही नहीं देगा। सत्य क्या है वहां तक आपको कभी जाने ही नहीं देगा। और आप सब लोग आज यहां तक पहुंचे हैं तो सोचिए हम उसके पीछे के वार से बच गए। अब क्या है आगे से वार? अब क्या है आगे से वार कि जो पीछे से बच गया उसके सामने क्या है आगे से वार होगा। आगे से वार होने का मतलब क्या है? देवचंद्र जी 14 साल तक भागवत की कथा सुनते रहे। कितने साल? 14 साल तक। उससे पहले कुछ अनुभूतियां हुई, आप सब लोग जानते हैं कि जब मरुस्थल में से जा रहे थे कच्छ की तरफ, साक्षात राज जी आए आवेश का स्वरूप लेकर के। उसके बाद भी उनको अखंड वृंदावन का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने प्रसाद भी खाया, लेकिन फिर भी उनकी निष्ठा नहीं टूटी। 14 साल तक लगातार भागवत की कथा में आते रहे। 14 साल क्या कुछ कम समय होता है? 14 साल एक बहुत बड़ी अवस्था, बहुत लंबी अवधि है। एक दिन भी उन्होंने बीच में उसको नहीं छोड़ा। हमारी तरह आपकी तरह वो भी क्या थे? गृहस्थ थे। उनकी भी पत्नी थी, उनके भी माँ बाप थे, उनके भी सगे संबंधी थे। आज तो आने जाने की इतनी सुविधाएं हैं, उस समय सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन 14 साल तक वो भागवत की कथा में निरंतर आते रहे। एक समय ऐसा हुआ जब उनके शरीर पर कष्ट आया। ऐसा नहीं है कि 14 साल का भी देवचंद्र जी बीमारी नहीं पड़े होंगे, छोटी मोटी बीमारियां आई होंगी। लालदास जी ने बीतक में सब गौण बातों को नहीं लिखा, मुख्य मुख्य बातों को लिखा है। तो जब उनके शरीर पर कष्ट आया, वैद्य जी ने क्या कहा कि यदि घर से बाहर निकलोगे तो संतिपात हो सकता है, मृत्यु होने के संभावना है। लेकिन देवचंद्र जी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनको क्या था कि धर्म पहले है और संसार बाद में, धर्म पहले शरीर बाद में। पिता कहते हैं कि यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे होगा। पुत्र कहता है कि यदि धर्म ही नहीं रहा तो शरीर को रखने का क्या फायदा। और उन्होंने जान पर बनी आई है, उनको पता है कि यदि आज घर से बाहर निकले तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की और चल करके लाठी का सहारा लेकर किसी तरह से पहुंच गए। ये क्या था? ये था सामने से वार। समझे? ये क्या है? सामने से वार कि माया कोई ना कोई हथियार लेकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप सुबह चितवनी के लिए उठना चाहते हैं, जो नीचे गरम नरम बिस्तर बिछा है वो माया का स्वरूप है, वो हमको जकड़ लेगा। उसकी हजारों कोशिशें हैं कि आप उठ ना सकें,
आप उठ भी गए, आपको लगेगा पानी ठंडा है, स्नान नहीं किया, आप बैठ गए, नींद आ रही है, फिर कोई आपको आवाजें लगा रहा है, आज आपको यहाँ चर्चा में आना था, आपके सिर में दर्द हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप घर से निकलने लगे, कोई घर के बाहर आकर के खड़ा हो गया, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, जैसे आज बारिश सुबह होने लगी, ये सब क्या है? ये इबलीस के सामने से वार है। ये भी क्या करेंगे? आपके सामने से वार करेगा ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके, और आप इन सब बाधाओं से भी बच करके यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब आप इबलीस के सामने के वार से भी बच गए। अब कौन से दो वार बचे? एक सीधे हाथ से और एक उल्टे हाथ से। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मोहम्मद साहब अपनी हदीसों में बताया करते थे, क्योंकि वहां पर भी हर शुक्रवार को जुम्मे के दिन खुतबा हुआ करता था, जिसे हम चर्चा करते हैं, तो वो अपने साथियों को बताया करते थे। फिर उन्होंने कहा कि एक सीधे हाथ का वार है और एक उल्टे हाथ का वार है। सीधे हाथ का वार क्या कहता है? सीधा हाथ मतलब राइट हैंड, यानी कि जो वो सीधे हाथ का वार का मतलब है कि वो आपको आपकी ही खूबियां गिनाएगा, समझे? अभी तक तो आपके अपोजिट चल रहा था, आपके विपरीत चल रहा था, अब आपका साथी बन करके बैठ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि चर्चा में आने से पहले आपके मन में विचार आने लगेंगे कि चर्चा में जाने का क्या फायदा, वाणी को तो मैंने 10 बार पढ़ ही लिया है, हम चर्चा की बात करते हैं, हमारे पास तो टीवी में लैपटॉप में सारी चर्चा रिकॉर्डेड है, किरंतन किरण हर तरह के किरंतन, हर रास के प्रकरण, प्रकाश के प्रकरण, सागर श्रृंगार की चर्चाओं का भंडार लगा है, मैं घर पर ही बैठ करके सुन लूं। फिर कई लोग क्या सोचेंगे कि चर्चा सुनने से क्या होगा, क्यों ना मैं आंख मूंद कर घर पर ही चित्रणी करूं। तो ये क्या है? ये इबलीस के सारे हथियार हैं। 24 घंटे दिन में थे, पूरा महीना आप अपने घरों में थे, आपके हृदय में ये बातें नहीं आएंगी कि 1 घंटा बचा करके क्यों ना मैं अपने ध्यान में बिताऊं। लेकिन अब जब जाने का समय आया है, इबलीस आपका साथी बन करके बैठ जाएगा। इसलिए कहा कि ये दो हथियारों से जो बच गया, मैं सीधी तरफ से वार करूंगा। सीधी तरफ से वार का मतलब क्या है? वो आपकी ही प्रशंसा शुरू कर देगा कि तुम्हें चर्चा में जाने से क्या, कितनी बार चर्चा सुनोगे, सारी वाणी तो तुम्हें आती है, इतनी हजार चौपाइयां तुम्हें कंठस्थ हैं, इतनी बार चर्चा सुन रखी है, चर्चा में जाने से क्या फायदा। लेकिन एक चीज को हम हमेशा याद रखें कि जिस तरह से हम सुबह भोजन करते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं और रात्रि को भोजन करते हैं, क्या कभी आप ये सोचते हो कि आज सुबह भोजन कर लिया, दोपहर को भोजन करने से क्या लाभ? या आप कभी ऐसा सोचते हो कि सुबह नाश्ता भी कर लिया, दोपहर का भोजन भी कर लिया, अब रात्रि को भोजन करने से क्या लाभ? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। यदि आज आप अपने घर की सफाई करते हो तो क्या कल आप ये सोचोगे कि कल ही तो घर साफ किया था, आज सफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, हम प्रतिदिन घर को साफ करते हैं, हम दिन में 3 बार भोजन लेते हैं, उसी तरह चाहे हमने तारतम वाणी को कितनी बार पढ़ा है, कितनी चर्चा को हमने सुना है, चाहे कितना हमने उसको आत्मसात किया है, जब जब आप धाम धनी के वचनों को सुनेंगे, जब जब ये बातें आपके हृदय में उतरेंगी, आप यकीन मानिए यदि हमारा हृदय पवित्र होगा तो हर बार एक किरण हमारे हृदय में नई पैदा होगी, हर बार वो ईमान और परिपक्व होता जाएगा और हर बार प्रेम के अंदर वृद्धि होती जाएगी। तो ये इबलीस का तीसरा हथियार था। अब आप यहां तक पहुंचे, यानी कि आप इबलीस के तीसरे हथियार से भी बच निकले। अब क्या है? उसने कहा कि इन 3 जगहों से अगर वो बच जाएगा तो मैं उसको चौथी तरफ से हमला करूंगा, चौथी तरफ से उसको पछाड़ूंगा। अब चौथी तरफ यानी उल्टा हाथ। उल्टा हाथ का मतलब क्या है कि वो आपको उलट के फेर में डाल देगा। जैसे चर्चा में आने से पहले बहुत लोग ये सोचते हैं कि किसकी चर्चा में जा रहे हो, हकीकत नगर जाना है, पीतमपुरा जाना है, मॉडल टाउन जाना है, कृष्ण प्रणामी है, निजानंदी है, भूपखेड़ी वाले हैं, सरसावा वाले हैं, रतनपुरी वाले हैं, कौन से वाले हैं? फिर उसके बाद
कौन व्यक्ति है, कहाँ से संबंध रखता है, उसके सिद्धांत कैसे हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। पिछली बार एक सुंदर साथ हमारे साथ जा रहे थे, वो खुद उदाहरण दे रहे थे कि एक पति है एक पत्नी है, दोनों ने एक बीच में दरार बनाई है कि यहां मैं जाऊंगी और यहां पर आप जाओगे, आप यहां नहीं आ सकते और मैं वहां नहीं जा सकती। ये क्या है? ये सिद्धांत हमने अपने आप में कर रखे हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक अमेरिका के ट्रस्ट के अंदर इंग्लैंड में इंग्लैंड की महारानी आई हुई थी। शुक्रवार का दिन था जिसे वो गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो शहर की सबसे बड़ी चर्च के अंदर महारानी पहुंची। महारानी ने जैसे ही चर्च में प्रवेश किया, उसने देखा चर्च पूरा लबालब भरा हुआ है, कहीं पर पांव रखने की भी जगह नहीं है, बाहर भी बहुत भीड़ लगी है। कार्यक्रम समाप्त हुआ, महारानी बहुत खुश थी कि मेरे देश के लोग ऐसे हैं जो शुक्रवार के दिन सभी के सभी चर्च में मौजूद रहते हैं। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, जाने से पहले महारानी ने पादरी को बुलाया जो वहां का प्रिस्ट होता है, उसको बुलाकर के पूछा कि क्या यहाँ पर हर शुक्रवार को इसी तरह से लोग इकट्ठा होते हैं? अब जो पादरी था वो हंसने लगा। पादरी ने कहा कि महारानी, यहाँ पर लोग ईसा मसीह को देखने के लिए नहीं आए, यहाँ पर लोग आपको देखने के लिए आए। समझे कि नहीं समझे? कार्यक्रम को अगर हमें अच्छा बनाना है तो लोग क्या करते हैं, उस मिनिस्टर को बुलाया जाए, उस मिनिस्टर को बुलाया जाए। लोग क्या देखने आते हैं? लोग अध्यात्म देखने नहीं आते, लोग ये देखने आते हैं कि कौन वहां पर आ रहा है। उसने कहा कि ये लोग आपको चेहरा दिखाने के लिए आए थे, ये ईसा को चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए। ये है इबलीस का उल्टे हाथ से हथियार। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख मूंद करके किसी भी कार्यक्रम में चले जाओ। राज्य ने आपको विवेक दिया है, हमारे पास तात्म ज्ञान है, आपकी अंतरात्मा जहां गवाही दे कि हाँ यहाँ पर मेरी आत्मा को सुख मिलता है, यहाँ पर मेरी आत्मा को रस मिलता है और यहाँ से मैं कुछ अपने घर लेकर के जाती हूँ जो मेरी उन्नति में मेरा हाथ बढ़ाता है, तो ऐसी कोई भी जगह हो, आप बिना किसी व्यक्तिवाद के, बिना किसी स्थानवाद के, बिना किसी आश्रमवाद के खुले हृदय से वहां पर जाइए और उस रस को बटोर करके लाइए। तो ये मैं आपको उदाहरण दे रहा था। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी आत्मा तो साख देती है, क्या आपकी आत्मा साख देती है? इंद्रावती जी की अवस्था कैसी है? उस व्यक्ति के जैसी जो राधिका का किरदार निभा रहा है, जिसकी आत्मा ने ये स्वीकार कर लिया है कि तू परमधाम की आत्मा है और तेरे धनी अक्षरा तीत है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारी आत्मा भी ये साथ देती है? देखिए, एक होता है बगुला और एक होता है हंस। दिखने में दोनों कैसे लगते हैं? सफेद। दिखने में दोनों कैसे लगेंगे? लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि जो बगुला होगा वो एक छोटे से तालाब की मछलियां खाता है और जो हंस होता है वो मानसरोवर के मोती चुनता है। तो खिताब लेना बहुत सरल है लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को और मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। अब ये भी देखिए, हमारे हादी की महानता हमें कितना कुछ सिखाती है कि जीवन में कितना बड़े से बड़े पद पर हम पहुंच जाएं, लेकिन तृण, तृण कहते हैं एक घास का पत्ता, तृणाद भी सुनिचीन, कि उससे भी दीन होकर के रहना। इतने बड़े मुकाम को प्राप्त करने के बाद जाहिरी रूप से कोई भी कह सकता है कि ये कथन इंद्रावती जी पर घटित नहीं होता,
लेकिन बात सुंदर सात को कही जा रही है और क्या कहा जा रहा है इंद्रावती जी अपने ऊपर लेकर के, कि धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। कि जिन चार चीजों की आप बात कह रहे थे कि यदि इन चार चीजों को मिलने के बाद भी हमने राज्य को अपने हृदय में नहीं बसाया, हमारा तन राज्य की सेवा में नहीं लगा, हमारे मन में यदि राज्य के प्रति चितवनी के भाव नहीं जागे, तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है। तन मन और बुद्धि का बहुत सीधा सा रिश्ता है। कठोपनिषद के अंदर एक बहुत सरल से श्लोक के अंदर इसको बताया गया है। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा है कि जिस तरह एक रथ होता है, अगर आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे एक रथ होता है, रथ का कौन है? एक रथी है जो उस रथ की सवारी कर रहा है, एक कौन है? सारथी है जो उस रथ को चला रहा है, और एक क्या है? घोड़े हैं जिनकी वजह से वो रथ चल रहा है, और एक घोड़ों के ऊपर क्या डाली हुई है? लगाम डाली हुई है, और उसकी लगाम किसके हाथ में सौंपी है? सारथी के हाथ में। लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। यदि सारथी ने लगाम को खींच करके रखा तो घोड़े क्या रहेंगे? नियंत्रण में रहेंगे। यदि सारथी ने लगाम को छोड़ दिया तो वो घोड़े क्या हो जाएंगे? अनियंत्रित हो जाएंगे। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि ये तुम्हारा जो शरीर है ये उस रथ की तरह है। उसने कहा आत्मानं तु रथिनं विदि, जो तुम्हारी आत्मा है वो क्या है? वो रथी है जो इसके ऊपर सवारी कर रही है। आत्मानं तु रथिनं विदि शरीरम रथमेव तु, और ये शरीर क्या है? ये शरीर वो रथ के समान है। बुद्धिं तु सार्थम विदि, जो तुम्हारी बुद्धि है वो क्या है? सारथी की तरह है। बुद्धिं तु सारथम विधि मनहा प्रगहमेव तु, और जो तुम्हारा मन है वो उन रस्सी की लगाम की तरह है जो घोड़ों के ऊपर लगाए गए हैं। और इंद्रियाणि हवानाहु, और जो तुम्हारी इंद्रियां हैं पांच वो क्या है? वो उन पांच घोड़ों की तरह है। और विषयास्तेषु गोचरान, और जो संसार के विषय हैं वो क्या है? वो उन घोड़ों का चारा है। उन घोड़ों का क्या है? चारा है। समझे इस बात को कि एक रथ है, उस रथ का रथी कौन है? आत्मा है, और उस रथ का सारथी कौन है? बुद्धि है, और उस रथ के ऊपर जो घोड़े लगे हैं वो क्या है? वो इंद्रियां हैं, और जो लगाम है वो क्या है? वो मन है। अब सीधी सी बात है, सारथी कौन है? बुद्धि। सारथी कौन है? सारी की सारी रथ को चलाने की जिम्मेवारी किस पर आ गई? बुद्धि के ऊपर। यदि बुद्धि ने मन रूपी लगाम को कस करके अपने हाथ में रखा तो घोड़े क्या रहेंगे? नियंत्रण में रहेंगे। यदि बुद्धि ने प्रमादवश उस लगाम को छोड़ दिया तो घोड़े क्या हो जाएंगे? अनियंत्रित हो जाएंगे। अब सोचिए, बुद्धि भी तीन तरह की है, एक सात्विक, एक राजसी और एक तामसी बुद्धि। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कई लोगों के मन में सुबह सुबह आया होगा कि बारिश आ रही है, चर्चा में जाकर क्या फायदा, आराम से तुम कंबल या रजाई में विश्राम करो। ये कैसी बुद्धि है? ये तामसी बुद्धि है जो आपको आलस्य, निद्रा, विकार की तरफ लेकर के जाएगी। और एक है राजसी बुद्धि, वो क्या है? जो पुरुष बिजनेस करते हैं या जिनकी दुकानें हैं वो सोचेंगे चर्चा में जाने से क्या फायदा, क्यों ना अपनी दुकान पर चलो, क्यों ना बिजनेस में जाओ, कुछ पैसे ही कमा लिए जाएं। ये क्या है? ये राजसी बुद्धि है जो संसार में लेकर के जाएगी। और तीसरी बुद्धि क्या है? सात्विक बुद्धि। वो क्या सोचेगी कि
कि कहाँ कब तक आखिर इस बिस्तर में पड़े रहोगे, कब तक इस संसार में यूं ही व्यवहार करते रहोगे। चलो यहाँ से निकलो और कुछ खुराक अपनी आत्म के लिए एकत्रित करो। ये क्या है? सात्विक बुद्धि। तो जिसने सात्विक बुद्धि से अपने मन रूपी लगाम को नियंत्रण किया, घोड़े नियंत्रण में रहे और उनका रथ कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो यदि ये है तात्म वाणी को पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ। हम कहते हैं ना कि हम क्यों पढ़े, जिस तरह से घर में पड़ी हुई मैल को प्रतिदिन साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से मन रूपी दर्पण पर जो संस्कार रोज हमारे चढ़ते जाते हैं, यदि उनको समाप्त करना है तो हमें तात्म रूपी ज्ञान से रोज सहारा लेना ही पड़ेगा। वाणी में क्या लिखा है कि माया क्या है? विष है। और तात्म वाणी क्या है? उसकी औषधि है। तो यदि हमने प्रतिदिन तात्म वाणी का पठन पाठन किया, इन सब चौपाइयों को, राजी के इन वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, निश्चित रूप से हमारी बुद्धि भी सात्विक रहेगी। और यदि बुद्धि सात्विक रहती है तो मन भी नियंत्रण में रहेगा और इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। उसके बाद किसी चीज का अनायास प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत से सुंदर साथ ऐसे सोचते हैं कि हमारा चरचरा खाने को मन करता है, तीखा खाने को मन करता है, इधर उधर जाने को, संसार के अंदर घूमने फिरने का मन करता है, क्या उसको दबाया जाए या ना दबाया जाए? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो उसको क्या होगा? उसको बुखार आएगा। बुखार क्या है? बुखार एक लक्षण है। बुखार क्या है? एक लक्षण है। और टीबी क्या है? टीबी एक बीमारी है। आप बुखार की दवा लेते रहिए, थोड़े देर के लिए बुखार तो दब जाएगा, लेकिन क्या टीबी की बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। बुखार क्या है? एक लक्षण है। और टीबी क्या है? एक बीमारी है। यदि टीबी रूपी बीमारी के लिए दवाई दी जाएगी तो बुखार तो अपने आप ही आना बंद हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम प्रयास करते हैं लक्षण को दबाने की, लेकिन जो मूल में बीमारी है उसके ऊपर कोई अपना ध्यान नहीं डालता। लेकिन जिसने मूल की बीमारी को नष्ट कर दिया, जैसे ही बीमारी समाप्त होगी लक्षण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यदि मेरे हृदय के अंदर कुछ तीखा खाने की इच्छा जागृत होती है, कुछ मीठा खाने की इच्छा जागृत होती है, मैं ये सोचूं ये तो लक्षण है, लेकिन बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि मेरे हृदय में आज भी रजोगुण की अधिकता है। यदि मैं सुबह चितवनी में नहीं उठ पाता, यदि मैं रोज सोया रह जाता हूं, ये तो एक लक्षण है। इसके पीछे बीमारी क्या है? कि हृदय में आज भी तमोगुण विद्यमान है। मैं क्या कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं? हम लक्षणों को दबा रहे हैं कि किसी तरह से हमारे सामने कुछ मीठा या तीखा रख दिया जाए, हम आंख मूंद करके वहां से चले जाएंगे। लेकिन हम लक्षणों को कब तक दबाएंगे? जिस दिन बीमारी समाप्त होगी लक्षण उस दिन आने अपने आप बंद हो जाएंगे। यदि हमें चाय, तीखा, कॉफी पीने की इच्छा होती है, ये हृदय में रजोगुण है जो हिलोरे मारता है, और उसके लक्षण क्या है, ये आपके सामने संसार की तरफ भागने की ये जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर। जिस दिन तात्म वाणी के इस अमृत के जल में हमारा जीव स्नान करेगा, इसे आत्मसात करेगा, हृदय में रजोगुण और तमोगुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उस दिन ये लक्षण कहीं पर रहेंगे ही नहीं। हम लक्षणों को ना दबाएं, मूल में जो बीमारी है हम उस पर केंद्रित करें। हम ये सोचें कि जितना ज्यादा से ज्यादा चितवनी में आप या मैं बैठूंगा, उतना हृदय मेरा अपने आप पवित्र होगा। और जिस दिन हृदय में सतोगुण अपने आप बढ़ता जाएगा, रजोगुण तमोगुण कम होते जाएंगे, उस दिन ये लक्षण तो अपने आप छूट जाएंगे। तो हमें प्रतिपल भान रहे कि क्या मैं इस जीवन का लाभ उठा रहा हूं या नहीं उठा रही। देख देख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम, जहर जिमी को लग रही भूली आठों जाम। आठों जाम हम इस संसार को लगे रहे, और इसे क्या कहा गया? जहर कहा गया।
जहर भी कैसा मीठा जहर, जो शुरू में तो बहुत मीठा लगता है लेकिन वास्तव में अंतगत्वा बहुत कष्ट देता है। अभी बात चल रही थी रोहतक में एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर चड्डा। वो और उनकी पत्नी, उनका अपना नर्सिंग होम था, उनकी दोनों बेटियां अमेरिका में रहती थी। उन्होंने अपने माता पिता, सोचिए जिन माता पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत कर अपने बच्चों को बड़ा किया, उनको शहर से बाहर भेजा, उन्होंने कहा कि क्यों ना आप अमेरिका आ जाओ, आप हिंदुस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको बेच दीजिए और आप हमारे साथ यहाँ पर आ जाइए। माता पिता ने भोलेवश अपना सब कुछ बेच डाला, करोड़ों की प्रॉपर्टी, नर्सिंग होम सब बेच दिया और पैसा वहां ट्रांसफर कर एयरपोर्ट पर पहुंचे। माँ को तो बुला लिया गया और ये शर्त रखी गई कि तुम यहाँ रहोगी नौकरानी बनकर, और पिता को वहां बुलाने से ही मना कर दिया। और जो कभी करोड़ों का मालिक था वो आज एक अनाथ आश्रम के अंदर एक अनाथ ही बनकर के रह रहा है। सोचिए संसार की वास्तविकता है। आप आश्चर्यचकित मत हो, आप बोहे मत चढ़ाओ, आप भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए। हो सकता है कि भविष्य में ये अवस्था हमें भी देखनी पड़े, लेकिन हमें प्रतिपल ये ध्यान रहे कि एक राज्य ही हमारे हैं जिसने हमें यहाँ तक खींचा है, जो हमारा हाथ पकड़कर यहाँ तक लाया है। यदि हमारा ईमान उनके ऊपर है तो हमारे भविष्य में भी वो रक्षा जरूर करेंगे। हम ये ना सोचें कि हमने तारतम ले लिया तो हम परम धाम के अधिकारी बन गए, अब कोई हमें रोक ही नहीं सकता। हम बहुत से सुंदर सार के अंदर ये भ्रांतियां फैल जाती हैं। तारतम वाणी कहती है कि साथ जी साफ हुए बिना अरस में क्यों पहुंच, चेत सको तो चेतियो पुकार कहे महामन। जब तक साफ नहीं होगे, जब तक साफ नहीं होगे, कहा जाता है कि एक जर्रे के बराबर भी यदि कुफ्र हमारे दिल में है, यदि जर्रे के बराबर भी कुफ्र हमारे कुल्फ का मतलब होता है दिल में है, तो आप उस धाम के अधिकारी नहीं बन सकते। सोचिए जर्रा, जर्रा किसे कहते हैं? जर्रे का मतलब होता है एक छोटी सी चींटी होती है ना, छोटी सी चींटी जो नीचे हम हजारों घूमती रहती हैं, उस चींटी का आकार कितना है, उसका वजन कितना होगा, बहुत महीन से भी महीन, महीन से भी महीन। उस चींटी का अंडा, उस चींटी का भी अंडा, वो कितना छोटा होगा, उससे भी कहीं महीन, उससे भी कहीं महीन। और उस अंडे में से जो चींटी का एक छोटा सा बच्चा निकलेगा उसका वजन कितना होगा, उससे भी कहीं ज्यादा महीन। और कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे के पांव का जो वजन होता है उसे क्या कहा जाता है, अरबी भाषा में एक जर्रा कहा जाता है। तो क्या कहा कि जर्रे के बराबर भी कुफ्र जिसके किल्ब में होगा वो उस धाम का अधिकारी नहीं बन सकता। सोचिए कितने महीन से महीन बात को लिख करके कहा है। और सोचिए अभी तो हमारे दिलों में संसार की कामनाओं वासनाओं के सागर उमड़ रहे हैं, आखिर किस दिन वो समय आएगा जब हमारे हृदय में अभूतपूर्व शांति होगी, हृदय में वो आनंद का सागर लहराएगा जो आज से पहले हमारे ब्रह्म मुनियों के हृदय में लहराया था। हमारे हाथ में केवल प्रयत्न है, हम कभी हार ना माने, हम कभी राज्य के सिर पर हुक्म के भरोसे ना बैठे, क्योंकि हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। हम प्रयत्न करते रहें, हमारा प्रतिदिन का दृढ़ संकल्प हो कि जैसे मैंने कहा कि हम प्रतिदिन वाणी को पढ़ें, इसकी चौपाइयों को आत्मसात करें और हर रोज हम अपनी तुलना करते चलें कि कहाँ मैं हूँ, कहाँ मैं थी और कहाँ मुझे जाना है। तो हम अगर इस तरह से चलेंगे तो निश्चित रूप से उस मंजिल पर पहुंचेंगे। अब समय भी पूरा हुआ, अब मिल करके चौपाई दोहराएंगे कि धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम, जहर गमी को लगी रही, भूली आठों जाम, भूली
तो